सो वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर, और इस लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है लेंस मेकर फार्मूला। देखिए, पिछले लेक्चर तक मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि कोई भी एक लेंस हो और मैंने उसे डबल लेयर पर रिफ्रैक्शन नहीं सिखाया था आपको, मैंने सिंगल सिंगल सिखाया था कि किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। और उसका फार्मूला हम लोग फाइंड कर लिया था, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ठीक है, ये क्या था, ये था रेयरर से डेंसर जाने में, और जैसे डेंसर से रेयरर जाता है वहाँ जो ऊपर म्यू टू माइनस म्यू वन था वो बन जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू। ये तो सिंगल सिंगल लेयर की बात है, यहाँ पर हमने लिया हुआ डबल लेयर। बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे लेयर बना हुआ है। एक लेयर ये वाली होगी कॉन्वेक्स लेंस की, ए बी सी दिख रहा है। दूसरी लेयर हो गई ए डी सी, दो लेयर हो गई, एक लेयर हो गई ए बी सी और दूसरी लेयर हो गई ए डी सी। पहले मैं बात करने वाला हूँ ए बी सी के लिए, तो जब जिसका जिसको कंसिडर किया जाए उसके अलावा जो चीज़ें आप सोचिए कि है ही नहीं। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर रखा है ओ, और मुझे रिफ्रैक्शन कराना है किससे, ए बी सी से। एक बात और मैं बता दूँ, इधर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, इधर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, और बीच में है म्यू टू, और म्यू टू इज़ ग्रेटर देन म्यू वन। यानी पहला जो रिफ्रैक्शन होने वाला है उसमें यहाँ पर जो रे जाएगी रेयरर टू डेंसर जाएगी, जब रे रेयरर टू डेंसर जाती है तो वो डाइवर्ट होती है, लेकिन क्या नॉर्मल से टूवर्ड्स होती है, नॉर्मल से अवे टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखिए, पहली बात तो यहाँ पर रे यहाँ से गई, ये रे आगे ट्रेवल की और इस पॉइंट पर टकराई। अब बात आती है कि यहाँ पर नॉर्मल क्या है, तो ये जो सरफेस है इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वही नॉर्मल होगा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा कि इधर बनेगा, देखिए कर्व तो इधर है ना, अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाऊं तो इसका कर्व तो कैसे बन रहा, ऐसे बनेगा, ये पूरा सर्किल बनेगा इसका, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ए बी सी की। जाहिर सी बात है इसका सेंटर कहीं इधर बीच में आएगा, तो ये रहा सेंटर। तो ये जो सी वन एम लाइन है ये क्या है, ये है इसका नॉर्मल लाइन, यानी इस इंसिडेंट रे को इस नॉर्मल से जो एंगल बनाना होगा ये आई बन रहा होगा। हालांकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं आई की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इंसिडेंट हो गया। अब क्या होना चाहिए, इसे आगे निकल जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये डाइवर्ट होगा, डाइवर्ट हो गया या तो लेफ्ट जाए या तो राइट जाए। अब अगर रेयरर टू डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ जाना चाहिए, तो क्या हुआ ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, यानी बेंड होने के बाद किधर जा रही है, ये देखिए रेड लाइन से आफ्टर रिफ्रैक्शन एम एन हो गया, यानी इधर ऑब्जेक्ट गया ओ एम और रिफ्रैक्शन के बाद हो गया एम एन, जो कि मैंने रेड लाइन से दिखाया हुआ। तो यहाँ पर अगर बात की जाए इन फर्स्ट रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस ए बी सी, ठीक है, इमेज डिस्टेंस एज कितना है भाई, इमेज डिस्टेंस स्मॉल यू एंड अरे सॉरी इमेज नहीं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज स्मॉल यू, ये रहा पोल से ले लिया हमने, लेकिन एंड इमेज, अभी मैंने साइन नहीं लिया है पर, ठीक है, इमेज डिस्टेंस इज। अब बताइए जो रेड लाइन है आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये अगर सीधे जाती तो यहाँ बन जाती, हालांकि बाद में यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो गया है, लेकिन फिलहाल मैं इस लेयर की बात कर रहा हूँ, इस लेयर से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो उसकी इमेज तो यहाँ बनेगी ना आई वन, यानी इमेज के जो डिस्टेंस है वो क्या है वी वन, क्लियर। क्या लेंस का हमने एक फॉर्मूला बनाया था पिछले लेक्चर पर, क्या होगा रेयरर टू डेंसर जाने के लिए क्या हो सकता है, म्यू टू माइनस म्यू वन, सॉरी ऐसे नहीं, म्यू टू अपॉन क्या होता था इमेज के डिस्टेंस, और इमेज के डिस्टेंस है वी वन, माइनस म्यू वन अपॉन ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस ये है यू, और यहाँ होगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, और ये होगा आर वन, क्लियर है भाई, सबको समझ में आ रहा है, ये क्या होगा आर वन, क्योंकि ए बी सी जो कर्व है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर समझ में आ गया होगा सबको। अब चलिए दूसरा रिफ्रैक्शन देखते हैं।
जब बात करेंगे इस एडीसी की, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? इसके लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्शन हो गया। इसके रिफ्रैक्शन के बाद इसकी वजह से जो इमेज क्रिएट हो रही है, वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गई। फिर से समझिए, फर्स्ट जो लेयर है एबीसी, एबीसी से इस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या बन गया? इमेज। वो इमेज बन गई। अब वो इमेज इस लेयर के लिए क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो इसकी इमेज कहाँ है? ये सॉरी इसके लिए लेयर एडीसी के लिए इसकी ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये रहा ऑब्जेक्ट। जो इसके लिए इमेज था वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बना। और फिर अब देखिए क्या, यहाँ पर देखिए रेड लाइन गई, अब ये जा रहा है डेंसर टू रेयरर, तो ये क्या होगा? नॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। अब बात करते इसका नॉर्मल है कहाँ। भाई इस वाले लेयर का तो नॉर्मल ये था C1, तो इस वाले लेयर का नॉर्मल मैं कहूँ ये कर्व ऐसे पूरा होगा ना, देखिए ये स्फीयर तो इधर पूरा हो रहा होगा, तो इस स्फीयर का सेंटर कहाँ होगा? ये यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दे, ये हो गया नॉर्मल। तो रेड वाले लाइन आई और ये हो गया नॉर्मल, इससे इंसिडेंट एंगल यहाँ बन रहा होगा। अब होना क्या चाहिए? अवे फ्रॉम द नॉर्मल होना चाहिए। तो ये क्या हुआ? नॉर्मल से क्या हुआ? तो भाग गई। ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो नॉर्मल से दूर भागी है। इसे क्या जाना चाहिए था? इसे जाना चाहिए था सीधे लाइन में, लेकिन क्या हो गया? डाइवर्ट हो गई। तो ये डाइवर्ट होकर क्या आ जाएगी? इधर आ जाएगी। तो फाइनल इमेज यहाँ बन गई। अब एक बात समझिएगा, इस लेयर के लिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो V1 है, लेकिन इमेज की डिस्टेंस क्या है? V। क्लियर समझ में आ गया सबको? तो यानी यहाँ पर होगा इन सेकेंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस, कौन सा सरफेस है? ADC। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कौन सा है? V1। एंड इमेज डिस्टेंस इज V। क्लियर? अब दूसरी बात समझिएगा, ये तो बात हुई थी रेयरर से डेंसर जाने में, अगला रिफ्रैक्शन कैसा हो रहा है? डेंसर टू रेयरर। और जब डेंसर टू रेयरर जाते हैं तो हम लिखते हैं म्यू वन अपॉन इमेज के डिस्टेंस माइनस म्यू टू अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। यहाँ पर म्यू टू था, यहाँ म्यू वन होगा, यहाँ म्यू वन था, यहाँ म्यू टू हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा? इमेज के डिस्टेंस, और इमेज के डिस्टेंस इसमें बन गई है वी, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस है V1, और यहाँ पर भी ऐसे आ जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू, नीचे क्या होगा बताइए? R2, क्योंकि सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ है तो ये R2 हो गया। क्लियर? अगर आपने ये डेरिवेशन में ये चीज़ सीख लिया है तो डेरिवेशन आसान है। अब क्या करना है? इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर दो। तो लेफ्ट में देखो इधर क्या था, म्यू टू अपॉन V1 माइनस म्यू वन अपॉन U इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन R1, सॉरी लेफ्ट वाला इधर भी तो ऐड करें, प्लस म्यू वन अपॉन V माइनस म्यू टू अपॉन V1 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन R1 प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन R2। ऐड कर दिया, कुछ कट रहा? ये देखो म्यू टू अपॉन V1 और ये प्लस माइनस हो गया। तो यहाँ पर इधर क्या आ गया? म्यू वन अपॉन V माइनस म्यू वन अपॉन U। ठीक है, देखो इधर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर में कॉमन नहीं हो पा रहा, यहाँ म्यू टू माइनस म्यू वन है, यहाँ म्यू वन माइनस म्यू टू है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो क्या ये म्यू टू माइनस म्यू वन हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से म्यू टू माइनस म्यू वन, तो यहाँ अंदर क्या आएगा? वन अपॉन R1 माइनस वन अपॉन R2 आएगा, प्लस नहीं आएगा अब, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया। चलो अब इसके बाद डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से देखो एक हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, म्यू वन अपॉन V माइनस म्यू वन अपॉन U इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन वन अपॉन R1 माइनस वन अपॉन R2।
वन अपन आई आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अब देखो इसके बाद एक केस लेते हैं सिंपल से समझना। इसको पहले एक क्वेश्चन कह दो, इसको एक क्वेश्चन कर देते हैं थर्ड, और यहाँ एक केस लेते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है मान लो उसको इन्फिनिटी रख दिया गया, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी तो u इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब u इन्फिनिटी पे होता है उस वक्त उसकी इमेज जो लाइन होती है क्या पैरेलल आती है? हाँ, और जो लाइन पैरेलल आती है रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ मीट करती है? फोकस पर। और जब फोकस पे मीट कर रहे हैं इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही होगी? फोकस पर। तो ये इमेज की वैल्यू है ना, तो यानी यहाँ हो जाएगा म्यू वन अपॉन एफ और ये हो गया जीरो इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन और यहाँ आ जाएगा वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ठीक है, क्लियर है? इसको तो पहले एक टर्म कह देते हैं हम, इसी को कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। एक तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से इसको ज़रा और आगे बढ़ाओ, ध्यान देना ज़रा। ये म्यू वन मैं इधर लेके जा जाऊँ, म्यू वन मैं क्या कर दूँ इधर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये हो सकता है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन फोर। और ये जो इक्वेशन थर्ड था ना, क्या मैं इसको इस फॉर्म में ला सकता हूँ? म्यू वन कॉमन करके मैं इधर ले आऊँ, आ जाएगा? क्लियर समझ में आ रहा? देखो ऐसे करते हैं, वन अपॉन वी वन अपॉन यू और यहाँ ला दिया म्यू वन। तो ज़रा थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करो, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या राइट साइड इक्वल है? है ना, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। यानी हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, एक फॉर्मूला ये आ गया कंपेयर करके। एक चीज़ और इसी सीख लेते हैं इससे, या इससे भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हैं। हमें मालूम है कि हम जब लेंस रखते हैं तो म्यू वन की वैल्यू कहाँ होती है? अगर वो एयर में रखा है तो, कोई लेंस एयर में रख दिया गया तो म्यू वन की वैल्यू वन, और म्यू टू की जगह क्या रखते हैं? म्यू रख देते हैं सीधे सीधे। हाँ, तो ये फॉर्मूला क्या बन सकता है हमारा? वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू और यहाँ पर हो जाएगा म्यू, क्या चीज़ नहीं कहाँ, म्यू वन की वैल्यू वन होगी ना, म्यू टू की वैल्यू म्यू आएगी। अब जहाँ म्यू टू आएगा हम वहाँ रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा म्यू माइनस वन, म्यू माइनस वन इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। जब मुझे ये फॉर्मूला लगाना होगा तो मैं उसको आसान करके भी लगा सकता हूँ, हालांकि ये स्टैंडर्ड फार्मूला है इसे आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला में से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको आसान करने के लिए कह सकता हूँ। भाई अक्सर क्या होता है, किसी भी लेंस को एयर में रखा जाता है तो म्यू वन की वैल्यू वन हो गई और जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे म्यू कह दीजिए, यानी म्यू टू को। तो वहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने म्यू टू की जगह म्यू रख दिया और इसकी जगह वन रख दिया, ये ब्रैकेट में होगा इस तरीके से। क्लियर समझ में आ गया लेंस मेकर फार्मूला कैसे किया गया? चलिए इसको नोट कीजिए, जहाँ ना समझ में आए वहाँ पर पूछिएगा। तो लेंस मेकर फार्मूला के बाद अब हम लोग जैसे इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है ना, उस वक्त फार्मूला ड्राइव करते हैं। कोई थिन लेंस हमने ले लिया, यहाँ पर मैंने आपको एक कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो इमेज बनती है वो दो तरीके से बनती है, एक तो रियल इमेज बनेगी जो इस केस में बन रही है, एक वर्चुअल बनती है। तो यहाँ पर मैं रियल इमेज के लिए आपको फार्मूला ड्राइव करा दे रहा हूँ। उसमें मामला ये देखिए कि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ये ऑब्जेक्ट है इस तरीके से है ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए मिनिमम आपको दो रेज क्या करनी पड़ेगी, एक जगह मीट करानी पड़ेगी। और दूसरा हम क्या लेते हैं, एक तो सीधे सीधे ले लेते हैं ये वाली लीन, है ना,
दूसरी रेज हमने क्या लिया, यहाँ से दो रेज पास कराई, एक तो पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद क्या होगा, फोकस से पास कर जाएगी, और दूसरा क्या होगा कि इसके पोल से पास करिए तो सीधी निकल जाएगी। ये दोनों रेज क्या जाकर यहाँ मिल जा रही है, और मिलने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट इमेज का क्रिएशन हो गया। अब ये जो इमेज बन रही है ये रियल है और इससे लार्जर है, लेकिन इरेक्ट है, सॉरी उल्टा है, अपोजिट, ठीक है। अब ये हो गया इसके ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, ये हो गया इसके इमेज के डिस्टेंस, और ये क्या हो गया, दो फोकस के यहाँ पर डिस्टेंस हो गए, तो हमें इस फोकस की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर जैसे पहले फॉर्मूला ड्राइव करते थे वैसे ही करेंगे, यानी दो ट्रायंगल ले लेते हैं, तो पहला ट्रायंगल यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग ए डैश बी डैश ओ, ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ एंड ट्रायंगल ए बी ओ आर सिमिलर। कैसे है, मैं ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये रहा हमारे पास ए बी, और इसी को हमने एक्सटेंड कर दिया, तो ये आ गया, सॉरी ये हो गया बी डैश ए डैश ओ, ठीक है। तो ये हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल, इक्वल हो गया, और यहाँ पर हो गया इसमें 90। तो जब दो एंगल सिमल सेम है तो क्या होगा, थर्ड भी इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, साइड का रेशियो लिख सकते हैं, तो इसका साइड का रेशियो क्या हो सकता है, ए डैश बी डैश अपॉन इसका बेस, नहीं सॉरी इसी का वर्टिकल वो ले लेते हैं ए बी, ऐसे ले लो, ठीक है, और इसका बेस क्या है, ओ बी डैश अपॉन इसका बेस है ओ बी। अच्छा एक चीज़ ये चेक करते रहिएगा कि ओ बी डैश की वैल्यू, अच्छा वो बाद में चेक कर लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हम ले लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे हम, एक ट्रायंगल बन रहा है देखिए यहाँ पर ए डैश बी डैश एफ और एम ओ एफ, देखिए ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल एम ओ एफ आर सिमिलर। कैसे है, मैं ड्रॉ करके भी दिखा दे रहा हूँ आपको, ये रहा ए डैश बी डैश और ये है ए, नहीं सॉरी ये है एम ओ और ये पॉइंट है एफ, देखिए एम ओ एफ एम ओ एफ ए डैश बी डैश एफ ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। सिमिलर में वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गए, दो बराबर हो गए, तीसरा भी होगा ही होगा, तो अब रेशियो ले लेते हैं आपसे भी ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ, इसका साइड वर्टिकल में क्या होगा एम ओ, इसका बेस ले लेते हैं एफ बी डैश अपॉन ओ एफ, सही है। अब यहाँ पर डायग्राम में ज़रा क्या एम ओ इज इक्वल टू ए बी है, सही है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन ओ एफ। क्वेश्चन सेकेंड, अब ज़रा इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड देखिए, क्या लेफ्ट साइड दोनों भी इक्वल है, इक्वल है ना, तो इक्वल होने का मतलब ये हो गया कि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इसका राइट में है ओ बी डैश अपॉन ओ बी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन ओ एफ। अब चेक करने की ज़रूरत पड़ती है कि क्या वो डिस्टेंस हम यहाँ से ले पाएंगे, जैसे ओ बी, ओ बी डैश देखिए, ओ बी डैश, हाँ ओ बी डैश ये वी होगा, ओ बी, ओ बी ये यू होगा, एफ बी डैश, एफ बी डैश ये डिस्टेंस नहीं मिल पाएगी। इसके लिए क्या तरीका हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस माइनस ये कर दो तो ये आ जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर अब ओ बी डैश अपॉन ओ बी इज इक्वल टू एफ बी डैश की जगह मैं लिख दूंगा ओ बी डैश माइनस ओ एफ अपॉन ओ एफ, देखिए सही है। अब ज़रा साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, है ना, तो साइन कन्वेंशन क्या क्या है ये देखिए ज़रा, देखो अगर बात की जाए ओ बी की, एक एक करते हैं, चलो इससे देखते हैं, ओ बी डैश, ओ बी डैश रेज इधर जा रही, डिस्टेंस भी इधर ही मेजर कर रहे हैं, तो पॉजिटिव भी, दूसरा में लेना है ओ बी, ओ बी लेफ्ट में मेज़र किया, रेज जा रही राइट में, तो माइनस यू,
तीसरा लेना हमें ओ एफ, ओ एफ राइट में जा रहा है और साथ ही साथ क्या है रेज भी राइट में है, तो ये हो गया प्लस एफ, बस बाकी सब तो आ गए। चलो वैल्यू रखते हैं, ओ बी डैश की वैल्यू वी और ओ बी की वैल्यू माइनस यू इज इक्वल टू ओ बी डैश वी माइनस ओ एफ एफ अपॉन ओ एफ एफ, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर वी यहाँ लिखा दूँ, तो ये हो गया माइनस एफ वी इज इक्वल टू इससे करूँ यू वी माइनस यू एफ। अब ज़रा एफ वाले टर्म को एक साथ कर लो, है ना, तो मैं कर लेता हूँ इसको इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा यू एफ माइनस एफ वी इज इक्वल टू यू वी, सही है। क्या करो यू एफ यू वी एफ से दोनों से डिवाइड कर दो, हाँ तो ये हो जाएगा यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस एफ वी अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू वी एफ, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन वी माइनस यहाँ से आ जाएगा वन अपॉन यू और यहाँ आ जाएगा वन अपॉन एफ, आ गया हमारे पास इक्वेशन, क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद सेकंड डेरिवेशन भी देख लेंगे। चलिए तो थिन लेंस फार्मूला फॉर कॉनकेव लेंस के लिए भी देख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और, अभी जो मैंने डेरिवेशन कराया था ना कॉन्वेक्स के लिए था, कॉन्वेक्स के लिए दूसरा भी केस है और सेम पैटर्न भी सॉल्व होता है, सेम फार्मूला आता है, तो मैं बार बार उसको नहीं कराना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने लेंस बदल लिया। उसका एक और डेरिवेशन है जिसमें वहाँ पर वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है, तो वो भी एक जो है डेरिवेशन है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। अगर आपने एक सीख लिया है तो दूसरा आपके लिए ईजी है। चलिए यहाँ पर क्या है, एक कॉनकेव लेंस लिया हुआ है हमने, यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट ए से टॉप पॉइंट से एक रे मैंने पैरेलल लेके गया, जो लाइन पैरेलल जाती है या तो रिफ्रेक्शन के बाद सीधे फोकस से पास कर जाएगी या तो पास करती हुई लगेगी, जैसे ये रिफ्रेक्शन के बाद चला गया ऊपर, अब ये साहब तो कहीं मिलेंगे नहीं, तो इन साहब के क्या करो औलादों को पकड़ लो, पीछे कर दो इनको, इनको क्या किया हमने पीछे एक्सटेंड किया तो ये फोकस पर चले जाए सीधे सीधे। फिर यहीं से मैंने एक और रेज निकाला और उसको सीधे पोल से पास किया। पोल से पास करने का सबसे आसान मामला ये बनता है कि वो जो नॉर्मल होता है ना उससे ज़ीरो एंगल बनाते हुए जाता है, तो जब नॉर्मल के डायरेक्शन में ही जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि वो उससे डाइवर्ट तो होना नहीं है, इसलिए ये देखिए सीधे पास करा जा रहा। अब ये दो रेज क्या है, यहीं पर मिल गई, यहाँ पर बन गया इमेज, इमेज वर्चुअल इमेज है, इससे छोटी है लेकिन सीधी है, इसके डिस्टेंस v है, फोकस के डिस्टेंस f है और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस u है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना वही मामला कि ट्रायंगल बनाइए और सॉल्व करते जाइए। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल बन सकता है हमारे पास, इन ट्रायंगल a डैश b डैश o एंड ट्रायंगल a b o, ये बड़ा वाला ट्रायंगल उसी के अंदर छोटा वाला ट्रायंगल कैसे बनता है, देखिए ये ए बी और ओ और यहीं से छोटा वाला है ए डैश बी डैश, अब दिख रहा होगा सबको, है ना, तो देखिए ये तो कॉमन एंगल हो गया और ये दोनों हो गए इसमें 90 डिग्री। अब हम यहाँ पर साइड का रेशियो लिख सकते हैं, तो साइड का रेशियो हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, दोनों का वर्टिकल, अब दोनों का बेस ले लेते हैं, इसका बेस है बी डैश ओ अपॉन इसका बेस है बी ओ, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। दूसरा ट्रायंगल क्या ले सकते हैं, अब इस साइड में ट्रायंगल बनाओ, जरा कैसे बनाओगे देखो, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल एम ओ एफ, ट्रायंगल बना दे रहा हूं मैं यहां पर, देखो तो ये है एम ओ एफ और इसी में आ जाएगा ए डैश बी डैश, ये दोनों के कॉमन और यहाँ पर आ गया दोनों 90, अब सिमिलर हो गए, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, रेशियो लिख देते हैं, तो यहाँ से इसका जो वर्टिकल है वो तो ए डैश बी डैश है, उसका वर्टिकल क्या है एम ओ, बेस क्या है भाई एफ बी डैश अपॉन एफ ओ। अब एम ओ, ये जो एम ओ है क्या ए बी के इक्वल है, देखिए एम ओ इज इक्वल टू ए बी,
तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन एफ ओ। इक्वेशन सेकेंड क्यों किया मैंने ऐसा, बिकॉज एम ओ इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब साइड से बात है हमारे पास लेफ्ट साइड दोनों में इक्वेशन में सेम है, इक्वल कर देना है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ से देखिए बी डैश ओ अपॉन बी ओ एफ बी डैश अपॉन एफ ओ। अब ज़रा चेक करते हैं क्या हमें सारी डिस्टेंस पता है बी डैश ओ। अच्छा लिखते हुए भी चलेंगे ना दोनों को, हम डिस्टेंस लेते हुए चलते हैं। बी डैश ओ, बी डैश ओ वी पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव लेफ्ट साइड में जाकर के मेज़र करना पड़ेगा। बी ओ, बी ओ यू है ये भी नेगेटिव तो माइनस यू। अब एफ बी डैश, ज़रा एफ बी डैश को चेक करो, ये डिस्टेंस है ही नहीं। हाँ ये हो सकता है एफ ओ माइनस बी डैश ओ, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बी डैश ओ अपॉन बी ओ, और एफ बी डैश का मतलब ये हो गया एफ ओ माइनस बी डैश ओ अपॉन एफ ओ। अब देखो हमें एफ ओ की वैल्यू लिख लेते हैं, एफ ओ कितना है भाई एफ ओ माइनस एफ, बस सारे टर्म तो आ गए। चलो वहाँ पर फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो बी डैश ओ माइनस वी और बी ओ माइनस यू इज इक्वल टू एफ ओ माइनस एफ माइनस बी डैश ओ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा मैं लिख देता हूँ चलो ताकि कन्फ्यूजन न रहे, एफ ओ माइनस एफ, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ आ गया वी अपॉन यू और यहाँ आ गया माइनस एफ प्लस वी अपॉन माइनस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा माइनस एफ वी इज इक्वल टू यू माइनस यू एफ और प्लस यू वी। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले एफ वाले टर्म एक साथ ले आओ, एफ वाले टर्म है ना, हाँ इधर वाले एक साथ ले आओ, तो ये कर लेते हैं हम माइनस एफ यू एफ वी। अच्छा एक काम करो, ये जो इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा ना, तो पॉजिटिव वाले को पहले लिखो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यू एफ माइनस एफ वी इज इक्वल टू यू वी, यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं, यू एफ यू वी एफ माइनस एफ वी यू वी एफ यू वी अपॉन यू वी एफ, बस आ गया हमारे पास वन अपॉन वी वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, डेरिवेशन हो गए, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब